80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार। चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है, कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार, अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में भी आज उन्होंने कहे, उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या, पिटवाने का? मिलने का समय नहीं है किसानों से? क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है।